क्या काव्य? एक गाथा त्याग और बलिदान की, द्वेष प्रेम शीलता और अहंकार की। नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना शौर्य सिंह सूर्यवंशी और ये है मेरे बड़े भैया विराट सिंह सूर्यवंशी। और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कहानी। रामायण एक संस्कृत महाकाव्य है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। रामायण भारतीय साहित्य के दो विशाल महाकाव्यों में से एक है और दूसरा है महाभारत। रामायण महाकाव्य में 24,000 छंद, 500 सरंग, जिनको 7 भागों में विभाजित किया गया है। हिंदू धर्म में रामायण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और रामायण ने हमें रिश्तों का मान सम्मान, मूल्य और कर्तव्य को समझाया गया है। रामायण में एक आदर्श पिता, पुत्र, भाई, मित्र, पति, पत्नी और एक मर्यादित राजा का वर्णन किया गया है। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने धरती पर श्री राम के रूप में अवतार लिया। राम अवतार का उद्देश्य था कि एक मनुष्य के रूप में मृत्यु लोक में आदर्शों और मूल्यों की स्थापना करना, जो युगों युगों तक मनुष्य जाति का मार्गदर्शन करती रहे। श्री राम ने एक साधारण मनुष्य की तरह सारे संसारिक रिश्ते नातों को असाधारण तरीके से जिया। इसीलिए तो श्री राम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आपको सुनाएंगे पिता पुत्र के रिश्तों की कहानी। रामायण के हमारे अगले एपिसोड में बताएंगे हम आपको मित्र, भाई और पत्नी के त्याग और बलिदान की कहानी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है शौर्य 0528। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे अगले एपिसोड तक के लिए जय सियाराम।